इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में हनुमान जी की मूर्ति द्वारा पलके झपकाने की बात सामने आ रही है। यहाँ के श्रद्धालु और पुजारी ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र शनिवार के दिन जब बाबा हनुमान जी की आरती पूजा की जा रही थी, उसी दौरान एक भक्त के कैमरे में ये पूरा वाक्या रिकॉर्ड हुआ। ओखला में स्थित है ये मंदिर, जो पड़वा से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है, और काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलते हैं और हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। ये देखते क्या कहा पुजारी और श्रद्धालुओं ने इस पूरे मामले पर। इंदौर से ब्यूरो चीफ अजय ठाकुर की रिपोर्ट, खबर इंडिया 24 न्यूज़ के लिए। विराजमान है अखिलेश्वर धाम ओखला। यहाँ विगत कई ये जो कई सालों से यहाँ रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी का चोलावरण होता है, भंडारा होता है। इसमें हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और आज जो चमत्कार हुआ है, वो जो हनुमान जी ने पलक झपकाई है, वो कैमरे में आज कैद हो चुके हैं। तो इसलिए जो सोशल मीडिया पे और जो सभी दूरी बहुत तेजी से खबर चल रही है। तो आज मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में बाबा ने स्वयं दर्शन दिए जो कहते थे कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। आज उन्हें जवाब मिल गया उनके मुंह बंद होकर। हम पिछले 10 वर्षों से लगातार बाबा के द्वार जा रहे हैं, चोलावरण पर हर बार जाते रहे मेरे साथी बाबा के साथ। आज पिछले एक वर्ष से वहां पर काफी भीड़ आ रही थी, तो मुझे ठीक से बाबा के दर्शन नहीं हो पाते थे, मुझे उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो आज मुझे बाबा ने स्वयं दर्शन दिया, अपनी आंखों के पलके झुकाकर उन्होंने दर्शन प्राप्त करे। जय जय सियाराम।